मेरा नाम लाजवंती है, मैं प्रिंसेस पार्क में रहती हूँ। सन 1947 में मेरे नाना ने यहाँ पे, मेरे नाना खाना बनाते थे, उसके बाद मेरी माँ, उसके बाद मैं। हमारी ज़िंदगी और हमारी परिस्थितियाँ जैसे औरतों को शुरू से दबाते आए हैं, आदमी ने भी दबाया, सारी रात मारा। और जहाँ हम काम करते थे, जिसकी वजह से हमें ये छत मिली थी, उन्होंने भी हमें गुलाम बना के छोड़ दिया। हमें इतना तंग करा गया कि हमें ज़रा सा, सारी रात आदमी मारता था, अगर सुबह ज़रा सा उठा नहीं जाता था। 5:30 बजे मैं अंदर होती थी, उनके बच्चों को नाश्ता देना, नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना, अगर ज़रा सी देर हो जाती थी तो वो हमें ताला लेके भेज देते थे, अर्दलियों को लेके कि जाओ ताला लगाया। ना मैं बच्चों को अपने नहला सकती थी, ना धुला सकती थी। हम रात को मार भी खाते थे, बच्चों की रोटी भी बनाते थे, क्योंकि सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता था ना नहाना ना धोना। उसके बाद भी इतना तंग करना, चाय का कप, ये गवाह हूँ। 64 नंबर में मैं प्रिंसेस पार्क में काम करती थी, और 74 नंबर में करती थी, और 38 नंबर में करती थी, और 40 और 7 में करती थी। इन लोगों ने मुझे चाय का कप तक नहीं देते थे, मैं अपने घर से चाय बना के लेके जाती थी, क्योंकि सारे दिन लगे रहना। वो तो मेरे बहन भाई हैं इधर, जो मेरे बच्चों को रोटी पानी खिला देते थे, जिसकी वजह से मैं सारा दिन काम कर लेती थी। कहाँ जाती बच्चों को लेके? औरत तो बर्बाद थी, बर्बाद है और बर्बाद रहेगी। क्यों? कि उठने नहीं दिया औरतों को आदमियों ने, और जहाँ हम काम करते थे इन लोगों ने। अगर मैं सोचती थी कि मैं बाहर जाके 2 पैसे का काम करूं, तो उसी टाइम मैडम मुझे कहती थी बाहर निकल यहाँ से साली, या बाहर काम कर ले। मेरा 2 बच्चों के बाद एक और पेट में बच्चा आया, जो कि मैं जल्दी जल्दी भाग रही थी, गेट के अंदर ही एंट्री करी तो ठोकर लग के मैं गिर गई। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उस टाइम मुझे कोई डर नहीं हुआ, पर वहाँ काम करते करते मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई कि खून से लथपथ हो गई। मैडम को तरस नहीं आया, मेरी बड़ी बहन को बुलाया उसने चौकीदार से, कह रही ले जाओ। सारा काम करा के उसने बोला ले जाओ, अब इसको ले जाओ। उसने ये नहीं सोचा कि मैं काम करवा रही हूँ, ये भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ, जिसकी वजह से कि चलो एक औरत की मदद करती, हमारी कोई मदद, जबकि अफसर थे ये लोग, पढ़े लिखे थे, कोई ये नहीं था कि हमारी तरह गवार थे। सबसे बड़ी बात गवार की या पढ़ाई लिखाई की नहीं, एक औरत का तो समझती है कि जिस टाइम बच्चा गिरता है उस टाइम क्या हालत होती है। मैं वहाँ से हॉस्पिटल से होके आई, उसके बाद मेरा दरवाज़ा खटखटाया चौकीदार ने, तो बच्चों ने बोला मम्मी घर में ही है, तो कहता है मैडम ने बुलाया है, और क्या कहते साहब आने वाले, खाना बनाओ। मैं वहाँ पे गई, मैंने बोला मैडम उसे खड़ा नहीं हो जा रहा। कह रही मैं नहीं जानती, तेरी लड़की अगर बड़ी होती तो उससे कराती मैं, नहीं तो भेज किसी और को। अब किसको भेजूं, क्योंकि सारे अंदर काम करते थे, और रात के 7:30 बज रहे थे। फिर मैंने बोला ये फिर ताला लगा देगी, सड़ी गर्मी हो रही थी, मेरे बच्चे कहाँ जाते। मैंने वहाँ पे जैसे तैसे काम करा, कोई तरस नहीं, एक रुपया नहीं। हाँ उतरन दे देते थे तो दे देते थे, जूठन दे देते तो दे देते थे, उसके आधार पे बच्चे पलते थे कि चलो नाश्ता हो गया रात को, चलो भाई बहन दे देंगे कुछ। भाई बहन भी कोई इतने अमीर नहीं, पर ठीक है एक छत। दूसरी बात कि इस एरिए में हमारे बच्चे बड़े सेफ हैं, और ये था कि चलो बच्चों के कारण कि बच्चे वीरान ना हो जाएं, हमारे बहन भाई आसपास में थे, तो इस वजह से हमने यहाँ पे झेला। जरी सी देर हो जाए जी 6-6 घंटे सेक्रेटरी साहब के यहाँ खड़ा कर देते थे। एक साहब ने तो मेरे ऊपर इतनी गंदी नज़र डाली, कहता बच्चे छोड़ दे, इतनी मुसीबत क्यों वो झेल रही है, चल मेरे से शादी कर ले। ये थक्का, अगर ऐसे ही होता तो आज पता नहीं कितने साहब लोगों के साथ शादी कर चुके होते। बहुत परिस्थितियाँ यहाँ की औरतों की ख़राब है साहब, कुछ कीजिए।
कभी आपको काम के बदले में कोई दाम वगैरह मालिक की तरफ से मिला? नहीं जी, नहीं मिला कभी कभी तीज त्योहार पे नहीं, कोई बच्चों का जन्मदिन हो कुछ नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी पार्टियां हो कुछ नहीं, सिर्फ पिलना था और पिलना था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। कभी आपने ऐसा कोई कदम उठाया कि जैसे आपको लगा कि मालिक ने कुछ अत्याचार किया है, तो ऐसा कोई हाँ कदम? जी, आए मैडम 2 दिन की गई भी थी, मैंने काम करके आ रही थी, उसके ट्रेन लेट हो गई थी, तो मेरा बच्चा छोटा वाला, मेरी लड़की को बुखार हो रहा था जी, मैं घर आई तो कह रही यहाँ गेट पे क्यों नहीं, और गेट पे ही खड़े रहना पड़ता था, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, उनको जब तक वो साहब लोग अंदर ना ले। अब मैं खड़ी 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 खड़ी, मेरे को जी 2 घंटे हो गए, 2 ढाई घंटे हो गए, मेरा बच्चा बुखार से तड़प रहा, मेरी लड़की रोई जा रही जी, ये लड़की थी मेरी 3 साल की। उसके बाद मैं घर आ गई, घर आ गई तो उसने पीछे से अर्दली को ताला लेके भेजा, उसने ताला लगा दिया, ताला लगाने के बाद मैंने ताला तोड़ दिया जी, मैं क्या करती, मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाती, ताला तोड़ दिया तो उसने पुलिस भेज दी, पुलिस भेज दी तो मैंने फिर अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया। फिर पुलिस वालों ने बोला कि भाई सही बात है, पुलिस वालों के दिल में भी तरस आ गया, देखा बच्चे छोटे छोटे, घर में मेरे कुछ भी नहीं था, चारपाई तक नहीं थे, हम नीचे सोते थे, तो बेचारों ने पुलिस वालों ने तरस खा के मैडम को बोला कि अरे मैडम इतना किसी को परेशान नहीं करते, बहुत गरीब औरत है। तब जाके वो मानी, फिर भी वो उसने मेरे को काम पे नहीं लिया, मेरी फिर शिकायत सेक्रेटरी से कर दी, सेक्रेटरी ने बोला तुमने मिट्टी का तेल डाल दिया, तुम्हें मैं यहाँ से भगा दूंगा। मैंने बोला मैं जाने वाली नहीं जी, मेरी मेरा कसूर बताओ, मैं यहाँ चोरी करी है, मैं इस मैडम का काम नहीं करती, मैं